हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 2 है मैथमेटिकल लॉजिक का। तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रुथ टेबल। तो पहले हम सीखेंगे कि ट्रुथ टेबल बनाते कैसे हैं और उसका फायदा कैसे है। तो मैं आपको बताऊं, जो आपने लेक्चर 1 देखा जेई मेंस में, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। जेई मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये मान के चलो लेक्चर 2 से ही आते हैं, ठीक है। बोर्ड के लिए सारे लेक्चर इंपोर्टेंट है, सीटी के लिए सारे लेक्चर इंपोर्टेंट। हमें पी और क्यू का बनाना है, इसमें भी पी और क्यू यूज हुआ है, यहाँ पर पी क्यू आर यूज हुआ है। तो टेबल कैसे बनाते हैं समझिए। पी और क्यू की अगर टेबल बनानी है तो पहले पी लिखिए, क्यू लिखिए, क्योंकि हमारे पी और क्यू। तो यहाँ पर लिखो आप टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ टी, एफ एफ। मतलब इसे बनाने का तरीका ऐसा ही है, ठीक है। तो दो टी, टी दो एफ, टी एफ, टी एफ। जैसे यहाँ भी हमारा पी और क्यू हुआ है तो पी क्यू, आप समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टी टी एफ एफ, यहाँ आएगा टी एफ टी एफ। यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, पी क्यू और आर। तो यहाँ पे 3 मतलब 8 बनेंगे, 4 टी 4 एफ। आप पहले समझिए कि दो दो की टेबल का क्या मतलब है, 4 और इसमें 2 टी 2 एफ, 2 टी 2 एफ और टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। 3 है तो 2 की पावर 3 केस बनेंगे, अगर 2 है तो 2 की पावर 2, अगर हमारे 4 केस बन गए, 4 पी क्यू आर एस आ गया तो 2 की पावर 4 16 केस बनेंगे। तो 16 केस में 8 टी 8 एफ, फिर 4 टी 4 एफ, 4 टी 4 एफ, 2 टी 2 एफ, ऐसे चलता जाएगा और टी एफ टी एफ टी एफ ऐसे चलते हैं। तो सबसे पहला काम हमें इतनी टेबल तैयार करना आना चाहिए, उसके बाद मुझे इसमें क्या चाहिए, ये स्टेटमेंट ढूंढना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या लाने के लिए आना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा क्यू एरो पी। हमको क्या लाना पड़ेगा, क्यू एरो पी। तो मतलब क्यू ट्रू है हमने, तो इसे कैसे चेक करेंगे, एरो का मतलब होमवर्क। तो हमने होमवर्क दिया, आप करके लाए, अच्छी बात है। होमवर्क नहीं दिया तो आप करो या मत करो कोई दिक्कत नहीं, हमने होमवर्क दिया और आप नहीं करके लाए इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। होमवर्क नहीं दिया, आप नहीं करके लाए इसलिए भी ये क्या हो जाएगा ट्रू। अब क्या बोला है, पी से चेक करना है क्यू एरो पी को, मतलब पी से इसको देखना है, क्लियर है। तो हमने होमवर्क दिया, आप करके लाए, वेरी गुड। हमने होमवर्क दिया, आप करके लाए, वेरी गुड। हमने होमवर्क ही नहीं दिया तो ये आप नहीं करके लाए, तब भी वेरी गुड। होमवर्क ही नहीं दिया, आप करके लाए, वेरी गुड। तो ये आगे हमारी फाइनल ट्रुथ टेबल टी 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 टी, क्लियर है। चलो इसमें समझते हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें हमको क्या चाहिए, पहले माइनस पी एंड माइनस पी। तो सबसे पहले हमें माइनस पी निकालना चाहिए, तो माइनस पी, तो टी का क्या होगा, एफ, टी का एफ, एफ का टी, एफ का टी। माइनस क्यू कैसे निकालेंगे, तो माइनस क्यू आएगा एफ टी एफ टी। अब बोला है माइनस पी और माइनस क्यू, मतलब एक एक करके ऑपरेशन लेते हैं, आप 50 ऑपरेशन एक साथ नहीं कर सकते। अब बोला है कि इन दोनों का एंड ले लीजिए, तो एफ एफ का एंड एफ रहेगा, इसका भी एंड एफ रहेगा, इसका भी एंड एफ रहेगा, इसका एंड 2 आएगा। अब क्या हो रहा है, इसके पूरे के आगे माइनस लगा दीजिए। देखिए इसके पूरे के आगे माइनस लगाने की बात करें तो एफ का माइनस 2 2 2 एफ। अब क्या बोला है, अब बोला है कि जो माइनस जो ब्रैकेट है इसका और लीजिए क्यू के साथ, मतलब इसका और इसका और लेना है। तो और लेना है तो मतलब 2 2 का और 2, फॉल्स और 2 का 2 2, और एफ और एफ का, क्लियर है। चलो तो ये हमारी फाइनल ट्रुथ टेबल आ गई, जो स्टेटमेंट ऊपर हमें दिया था। अब 3 वाले में कैसे करना है, तो 3 वाले में सबसे पहले क्या यूज हो रहा है, पी और क्यू, तो पी एंड क्यू। तो टी टी का ट्री, टी एफ F F F F F। आप देख लीजिए F F का F, F T का F, F T का F, T F का F, T F का F, T T का T। अब क्या बोला है कि इसका all लीजिए R के साथ, मतलब इन दोनों का क्या लेना है, all लेना है। तो T T का T, T यहाँ से T, यहाँ से क्या आएगा F, इन दोनों से क्या आएगा T, यहाँ से F और इन दोनों से क्या आएगा, थोड़ा सा टेबल ऊपर नीचे वो देख लेना, टी एफ टी 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 एफ टी एफ टी एफ।
ये तीन चीजें हैं, मैंने आपको समझाई थोड़ा सा कि तो टेबल कैसे बनाते हैं, ये आपने समझा। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा इसके बारे में। चलो तो मैं आपको तीन इसमें ज्ञान की बात है, इस एक्सरसाइज में तीन चीजें हैं, टॉटोलॉजी, कंट्राडिक्शन, कॉन्टीजेंसी। अगर टेबल के ये सारे पार्ट ट्रू आते हैं तो इसे बोलते हैं हम टॉटोलॉजी, मतलब जो हमारे पहले क्वेश्चन में सारे ट्रू निकल के आए हैं तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये जो है वो टॉटोलॉजी है। ये क्या है? ये टॉटोलॉजी स्टेटमेंट हो गया। अगर हमारे सारे फॉल्स आते तो हम बोल सकते थे कि वो कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन अभी इन दोनों में से अगर किसी में भी बात कर लो तो सारे फॉल्स नहीं है, लेकिन ट्रू एंड फॉल्स बहुत, दोनों में से कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स, जैसे तीन ट्रू एक फॉल्स है, इसमें भी बात करो तो पांच ट्रू तीन फॉल्स है, या जितने भी ट्रू फॉल्स दोनों हैं इन सबको बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉन्टीजेंसी है। तो इससे कि ये चेक करना, ये जेई मेंस में यही क्वेश्चन आते हैं कि आपको इस टाइप का दिया होगा, बोलेगा बताओ ये टॉटोलॉजी है कंट्राडिक्शन है कॉन्टीजेंसी है, तो आपको इसी तरह टेबल बना के चेक करना है। शॉर्टकट क्या है वो हम कभी फिर क्लास में बताएंगे, अभी के लिए तो जो बोर्ड का जो तरीका है चेक करने का वो यही है। जेई मेंस में शॉर्टकट में कैसे करते हैं वो बात की बात है। तो ये दोनों कॉन्टीजेंसी है, ये टॉटोलॉजी है, ये मैंने तीन चीजें बताई कि टॉटोलॉजी, कॉन्टीजेंसी और कंट्राडिक्शन कैसे चेक करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं। और जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 उसमें 10-10-10-30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चनों की टू टेबल बनाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या इतने क्वेश्चन सॉल्व करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं हर एक में से केवल दो दो क्वेश्चन ले रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। चलो तो मैंने पहले क्वेश्चन के दो पार्ट लिए हैं, आठवां और दसवां जो मुझे हार्ड लगे वो मैंने लिए, बाकी इन्हें समझ के बाकी जो आठ पार्ट है वो आपको करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। तो सबसे पहले कितने वेरिएबल हैं, तो पता चला तीन वेरिएबल हैं, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर क्या बोला था, चार ट्रू चार फॉल्स, यहां पर दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्लियर है? मुझे ऊपर वाला बड़ा सा स्टेटमेंट तैयार करना है, तो ये अगला आएगा Q एरो R, और मैंने एक लिया P एंड Q, मैंने ये दो छोटे छोटे पार्ट पहले लिए, तो Q एरो R, तो मैंने काम दिया आप करके लाए वेरी गुड, काम दिया आप नहीं करके लाए तो फॉल्स, काम नहीं दिया आप करके लाए ये तो होने हो नहीं सकता वैसे तो, और ये भी ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। P और R, उन्होंने अगला बोला है P एंड आर, ठीक है, पी से पी और आर का एंड, मतलब पी और आर का एंड लेना है, तो टू एफ टू, ये चार टी है तो इनकी वजह से ये आ जाएंगे टी एफ, ये चारों फॉल्स हैं तो एंड की वजह से चारों कैसे आ जाएंगे फॉल्स फॉल्स, मैं थोड़ा टेबल में आगे पीछे ना हो, टी एफ ये फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है। चलो अब इसके बारे में आगे चेक करेंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या आएगा, पी एरो क्यू एरो आर, और एक हम ये लेंगे पी एंड क्यू एरो आर, ये क्वेश्चन अभी हम बाद में देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो हमें पी से क्यू एरो आर में और चाहिए, मतलब हमने काम दिया और चेक करना है कि वो करके लाया कि नहीं, काम दिया करके लाया वेरी गुड, काम दिया नहीं करके लाया तो ये आएंगे टी एफ, यहाँ ये भी टी एफ है ये भी टी एफ, या मैंने काम ही नहीं दिया तो काम ही नहीं दिया तो ये करके भी नया भी लाए या ले आए, सॉरी हमें इसमें चेक करना है, रुको, तो टी 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 एफ का एफ और ये टी टी है तो ये भी टी टी आएगा, और बाकी चारों एक दो तीन चार चारों टी आएंगे। अब क्या बोला है, अब हमें बोला है कि इस वाले से पी, थोड़ा सा गड़बड़ है, ये P और Q बोला था तो हमें P और Q निकल रहे हैं, तो ये टेबल फिर से आएगी, P और Q जो आएगा वो आएगा टी टी एफ एफ और चारों एफ 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 एफ, अब ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं, तो आगे हमें क्या करना है, P एरो Q से R देखना, मतलब इससे उल्टा देखना है R, तो हम इन दोनों में काम दिया तो पहला टी दूसरा है, काम दिया वो करके नहीं लाया इसलिए, बाकी हमने काम ही नहीं दिया तो फिर तो स्टूडेंट की मर्जी चलेगी करना है नहीं करना है वो डिसाइड करेगा। अब हमको क्या करना है
इन दोनों के बीच में डबल एरो लेना है, जो हमारे ये वन और टू है इनके बीच में डबल एरो लेना है। तो डबल एरो में मैंने बताया, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों अगर फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार समझते हैं, टी टी का टी, एफ एफ का टी, टी टी का टी, सारे टी आते सारे टी आ गए, और सारे टी आते तो उसे क्या बोलते हैं, हमने थोड़ी देर पहले बताया था, सारे टी जब भी आएंगे तो इसे टॉटोलॉजी बोलते हैं। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दसवां क्वेश्चन हमने लिया, लिखा था पी और माइनस पी, तो इसे को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले माइनस क्यू होना चाहिए। माइनस क्यू होना चाहिए मतलब टी टी का एफ एफ, टी टी एफ एफ टी टी, ठीक है। अब यहाँ से आएगा पी और माइनस क्यू, तो सबसे पहले हमें निकालना है पी और माइनस क्यू, और निकालना है आर एंड पी, ठीक है। तो पी और माइनस क्यू, तो P और माइनस क्यू का और चाहिए, तो चार टी की वजह से चारों टी, क्योंकि अगर एक भी ट्री है तो और हमारा टू रहता है उस पर डिपेंड हो, चारों एफ है तो बीजे इस पर डिपेंड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ एफ टी टी, एक भी टू है तो आंसर टू रहता है। R एंड P, इन दोनों का एंड लेना है, एंड लेना है मतलब एक भी एफ है तो एफ, तो ये आएगा टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, और ये चारों एफ आएंगे क्योंकि हमारे पी के अंदर ये चारों एफ है। अब बोला है कि इनके बीच में एरो, इनके बीच में एरो, तो मैंने चार बार काम दिया, इसमें से दो बार वो करके नहीं लाया तो वो क्या आ जाएंगे गलत टी, तो आंसर क्या आएगा टी एफ टी एफ। यहां पे बात करो तो दो बार तो काम ही नहीं दिया, नहीं दिया तो डिपेंड ही नहीं करेगा टी टी, फिर काम दिया एफ 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 एफ, करके नहीं लाया, काम दिया और वो करके नहीं लाया तो ऑब्वियसली बात है एफ एफ। इसको देख के हम क्या बोल सकते हैं, इसे देख के बोल सकते हैं कि ये कंटीजेंसी है। तो पहला और तीसरा क्वेश्चन में इसमें इन्वॉल्व हो गया, दूसरे क्वेश्चन का केवल मैं एक पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, देख लीजिए आगे। चलो तो आपके पहले के दोनों दो पार्ट मैंने लिए, अब दूसरे के अंदर मैंने लास्ट पार्ट लिया है समझाने के लिए, इसका एक और क्वेश्चन देख लेंगे नहीं तभी थोड़ी देर बाद। अभी इसमें क्या मुझे पी क्यू दिख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है टी टी एफ ए, ये इक्विवेलेंट का मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ, हमको ये प्रूफ करना है कि इसकी टेबल है इसकी टेबल एक जैसी आएगी, ये हमको दिखाना है। तो सबसे पहले पी एरो क्यू, पी डबल एरो क्यू, क्योंकि एक साइड पी डबल एरो तो पी डबल एरो क्यू, पी डबल एरो क्यू में टी एफ एफ टी, अब इसका नेगेशन मांगा है तो इसका नेगेशन आ जाएगा एफ टी टी एफ, तो तुम्हारा जो एक पार्ट है वो यही है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा पार्ट कैसे प्रूफ होगा, तो दूसरे पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा माइनस पी क्यू, और माइनस पी की जरूरत पड़ेगी, माइनस क्यू आएगा एफ टी माइनस पी आएगा एफ एफ टी टी। चलो अब मैं निकालता हूँ पी एंड माइनस क्यू, और दूसरा मुझे निकालना है क्यू एंड माइनस पी, देखते हैं ये कैसे निकलेंगे, समझना पड़ेगा पी ये रहा माइनस क्यू ये रहा, इन दोनों का एंड करना है, तो टी टी एफ एफ है तो टी टी एफ एफ का आ जाएगा मेरे हिसाब से एफ टी एफ एफ, आप निकाल लेना समझ में आ जाएगा आपको। क्यू और माइनस पी, तो क्यू और माइनस पी इन दोनों को पकड़िए, तो टी एफ टी एफ, तो टी एफ का एफ, एफ एफ का एफ, टी टी का टी, टी एफ और एफ टी का एफ। अब मुझे क्या करना है, मुझे लेना है इन दोनों का और, क्या लेना है और, तो और कैसे लेंगे, एफ एफ का और ऑफ, टी एफ का और टी, एफ टी का टी, एफ एफ का एफ। अब आप ये देख लीजिए कि दोनों की टेबल सेम आई है, यस दोनों की टेबल सेम आई है तो ये इक्विवेलेंस है, अगर दोनों की टेबल सेम नहीं आती है तो इक्विवेलेंस नहीं है। तो हम दूसरे के अंदर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं नाइन, उसके बाद एक्सर 1.2 तक इस लेक्चर में कंप्लीट रखेंगे। तो ये मैंने दूसरे का नाइन क्वेश्चन लिया है, आप इसको देख लीजिए कैसे करना है इसको, तो माइनस पी पी आर क्यू देख दे कैसे लाना है इसको बराबर, समझते हैं। तो मैंने क्या पी क्यू आर तीन वेरिएबल है इसमें, तो पी क्यू आर, पी बोले तो फोर टी 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 टी, एफ 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 एफ, टी एफ सॉरी डबल टी डबल एफ, यहाँ यही है, एक भी अगर एंट्री गलत हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आर के अंदर टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, चलो ये साइड तो आ रहा है ऑब्वियसली बात है, एक साइड तो हम ला ही चुके हैं,
दूसरी साइड हमें लेके आनी है, तो ध्यान से समझिए कैसे आएगी। तो उन्होंने बोला कि P और Q निकालना है, P और Q चाहिए, उसके बाद माइनस ऑफ P और Q चाहिए। एक बार मैं क्वेश्चन को क्लियर कर लेता हूँ, हाँ कुछ ऐसा ही है, ठीक है। और हमको P, अच्छा माइनस ऑफ P और Q, अच्छा ऐसा है क्या? तो क्वेश्चन को हमें कई तरीके से बेवकूफ बना रहा है, बनने दो, कोई दिक्कत नहीं। पी आर क्यू, तो पी आर क्यू आ जाएगा टी 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 एफ एफ। इसका माइनस क्या आएगा? माइनस आ जाएगा एफ 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 टी टी। अब क्या बोल रहा है? इन दोनों का ऑल लेना है। इन दोनों का जब हमें ऑल लेना है तो वो आएगा टी 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 टी। अब इसका मुझे एंड लेना है आर के साथ, तो सारे ट्री हैं आर, इन दोनों का जब मैं एंड लूंगा तो ऑब्वियसली बात है सारे ट्री हैं तो एक फॉल्स भी तो फॉल्स होता है, तो ये ऑब्वियसली बात है जो आर है वही यहाँ पे छपके आ जाएगा टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है ये छपके आ गया, ये दोनों बराबर हो गए। बस यही हमें दूसरे क्वेश्चन में करना है। तीसरे का मैंने बता दिया कि टेबल्स बनाइए, सारे ट्रू आए तो टोटोलॉजी, सारे फॉल्स आए तो कंट्राडिक्शन, कुछ ट्रू है कुछ फॉल्स, दोनों अगर आपको दिखते हैं तो आंसर कॉन्टिजेंसी। यही दूसरी एक्सरसाइज है और जेई मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेई मेंस में कैसे करना है, टेबल बिगर टेबल्स के कैसे करते हैं वो हम आगे कभी देखेंगे, लेकिन फिलहाल बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है कि चेक करो टोटोलॉजी या कंट्राडिक्शन, तो आपको टेबल ही बनाना है, कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।